इस वीडियो में हम इसको कन्वर्ट करेंगे ये बनाने के लिए, किसी भी स्पीकर को अभी से कनेक्ट करो और वो वायरलेस बन जाएगा। ओल्ड वायरलेस हेडफोन है, इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है और ताकि हम इससे किसी भी स्पीकर को वायरलेस स्पीकर कन्वर्ट कर सकें। तो वायरलेस स्पीकर बनाने के लिए हमें इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे और ये अभी वर्क करता है, ब्रोकन है, कुछ चीजें नहीं है इसमें, पर ये वर्क करता है। इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और इसको हम साइज में छोटा भी करना है जो किसी भी स्पीकर को वायरलेस स्पीकर में कन्वर्ट कर दे। तो हमें सिर्फ हमें कनेक्ट करना है वो स्पीकर वायरलेस स्पीकर बन जाए। तो हम इसमें पहले से ओपन कर लेते हैं, कॉम्पोनेंट्स चेक कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ वो चेंजेस क्या करने हैं इसके अंदर। तो लेफ्ट साइड में इसका बैटरी दे रखा है और ये जो स्विचेस हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए। जब भी आप किसी ऐसी डिवाइस को ओपन करो जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, तो ओपन करते ही आप उसे फोटो ले लेना। फोटो से क्या होगा कि आप जो वायर्स जहां कनेक्टेड है, तो आप अगर वो कोई वायर टूटता भी है तो आप उसे वापस वहां पर सोल्डर कर सको। तो करना क्या है कि जैसे ही आप किसी डिवाइस को ओपन कर दो उसकी फोटो ले लो। फोटो लेने से ये होगा कि आपको मालूम चल जाएगा कि वो वायर कहां कनेक्टेड है, ताकि टूटने के बाद भी आप उसे कनेक्ट कर सको। सेम सेकंड साइड ओपन कर लेंगे। इस साइड में देखो आप, मैं इस साइड बताऊँ आपको, इस साइड में वाइब्रेटिंग मोटर दे रखा है ताकि जब ऑन ऑफ अप करो ये इसका वायर हट रखा है। इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम इसे निकाल लेंगे। वैसे आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो, आप इसे हटा भी सकते हो। ये माइक प्रोवाइड कर रखा है इसने कॉलिंग के लिए, ऑन ऑफ स्विच, चार्जिंग। यहाँ पे आप फोटो ले लेना इसकी जो वायर जहाँ कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें कलर है और इमेज में देख के आप कलर सेलेक्ट करके उसको वहाँ सोल्डर कर सकते हो, ये बात का ध्यान रखना। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे, जैसे इनमें जो स्विचें हैं, जो स्विच कनेक्टेड है, तो स्विच वाला जो पार्ट है इसमें, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का यूज करेंगे और जिनमें स्विच नहीं है उनका यूज नहीं करेंगे। हमें स्विच वाले पार्ट का यूज करना है। क्या करना है, हमें इतना बड़ा हमें नहीं बनाना, हमें कॉम्पैक्ट करना है। हमें ये पूरे वायर्स को काट देना है, डायरेक्ट इनको यहाँ सोल्डर करना है, ठीक है। जो वायर, जो कलर यहाँ से घूम के यहाँ पे आ रहा है, सोल्डर हो रहा है, उसको हमें इतना नहीं करना। डायरेक्ट यहाँ से डी सोल्डर करके डायरेक्ट हम वायर को कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, इसको क्लोज करके। हमें एक ही बनाना है इन दोनों से मिलके। जो बटन से फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए वो यहाँ हो जाएंगी, और जो साउंड के लिए वो यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा एक ही में, हम दो का यूज नहीं करेंगे। इसमें दिक्कत ये होगी कि ये कनेक्ट नहीं होंगे आपस में, क्योंकि ये अपोजिट वाले हैं, सेम साइड वाले हैं, इनमें ये हुक्स नहीं मिलेंगे आपको कनेक्ट करने के लिए। तो करना क्या है कि इनको हम तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद हम इसे ग्लू गन का यूज करके, अगर बाद में कोई दिक्कत होती है वो हट भी सकता है। इसमें हमें एक ऑडियो फीमेल जैक की जरूरत पड़ेगी, जो बस ये जैक है। और करना क्या हमें, और इसको कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले बस जो हेडफोन है उसमें एक साइड को कट करना है हमें। कट करने के बाद इसमें दो वायर मिलेंगे आपको, एक येलो और रेड, दो वायर मिलेंगे आपको। हम इसे ऑन कर लेंगे और फोन से कनेक्ट करने के बाद इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे, और प्ले करने के बाद जो ये हमारे जो वायर हैं जो हमने काट रखे हैं, रेड और येलो, इसको कनेक्ट करेंगे जो भी आपका स्पीकर है उसमें, वायर्स में। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको, हर का डिफरेंट होता है, तो मैं आपको बता दूंगा और आप चेक करोगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, तो आप कंफ्यूज जाओगे फिर। तो आपको करना क्या है कि जो वायर है आपको सॉन्ग चलाने के बाद इसमें टच करना है। वैसे ये आपका ग्राउंड होगा लास्ट वाला, पर फिर भी आप चेक कर लेना, ये स्टार्टिंग के दोनों हैं, ठीक है। इसमें मेरे वाले में आपको अपना चेक करना है, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा पिन, तो वो एक ग्राउंड और लेफ्ट राइट होता है, अब वो कनेक्ट करना होता है इसमें। तो आपको करना क्या है, सिंपल, जो आपके पास दो वायर है इनमें टच करके पता करना है कि मेरे पास जो, आपके पास जो भी जैक है उसमें कौन से वायर मुझे कनेक्ट करने पे चलेगा मेरा। मैंने ऑन कर दिया इसे और कनेक्ट कर लिया। अब मैं स्पीकर के वायर लूँगा और सॉन्ग प्ले करने के बाद इसमें टच करूँगा। इसमें बेटर साउंड आ रहा है इस साइड में, तो मैं यही कनेक्शन रखूंगा। येलो वायर जो है वो फर्स्ट में कनेक्ट होगा और रेड वायर सेकंड में कनेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, जो ये मेरा जैक है फीमेल जैक, इसमें मैं कनेक्ट करूंगा, और जो फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट सेकंड। जो फर्स्ट सेकंड पिन है हमारे पास, फर्स्ट वाले में येलो कनेक्शन करेंगे और सेकंड वाले में रेड, तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसी के सोल्डर करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों जो हेडफोन्स हैं, जो बस दोनों हेडफोन हैं, ये दोनों के वायर जहाँ सोल्डर हैं
वहां से दोनों से वायर उठाएंगे लेफ्ट राइट, क्योंकि हमें दोनों मोड चाहिए। अभी क्या आप एक कनेक्ट करोगे तो जो सिग्नल्स होते हैं वो लेफ्ट साइड वाले आते हैं और राइट साइड में राइट साइड वाले आएंगे, तो हमें दोनों को सोल्डर करेंगे सेम में, और येलो येलो रेड रेड जो भी है, और उनको क्या करेंगे जो दोनों के येलो रेड 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 है वो सेम और येलो येलो सेम कनेक्शन करके ऑडियो जैक में कनेक्ट कर देंगे रेड और येलो। याद देख सकते हो जो ये वायर है इसमें येलो और रेड इसी को कनेक्शन करेंगे हम, दोनों में आइए आपको दोनों मिल जाएगा येलो रेड, इन दोनों कनेक्शन आपस में करने के बाद उसमें कनेक्शन करेंगे। ये तो हो गया, अब जो बस ये जो बचा जो बस बाकी वायर है जो दोनों सर्किट को आपस में जोड़ रहे हैं, इनको करना क्या है सिंपली डीसोल्डर करना है एक साइड से, और जो कनेक्शन यहां से कर रखा है उसको डायरेक्ट यहां पे सोल्डर कर देना। ओके अब हम कनेक्शन करेंगे सर्किट का, और देखो ये बैटरी साइड है, करना क्या है डायरेक्ट हम इसको कट कर लेंगे, मैं कट कर लिया वायर को, और यहां से डी सोल्डर करेंगे और उसी सेम वायर को यहां पे हम सोल्डर करेंगे। अब इसे ऐसे कनेक्ट एक बार में कट मत करना, अब ये जो पूरा वायर आपको दे रखा है इस पूरे वायर को कट करना, और सिंगल वायर जो आएगा उसको लेना कट करना उसे सोल्डर करना वन बाय वन करना, दिक्कत नहीं होगी आपको, एक साथ कट मत करना। अब मैं आपको सोल्डर करता हूँ वन बाय वन, पहले मैं इस मोटर को हटा लेता हूँ, सिंगल कनेक्शन कर लेंगे वन बाय वन, क्या करना पड़ेगा इसके वायर्स के ऊपर कोटिंग होती है थोड़ा रफ कर लेंगे फिर हम इसे सोल्डर करेंगे, इजी सोल्डर हो जाएगा। मैं आपको एक कनेक्शन करके बताऊंगा, सारे कनेक्शन आपको वैसे ही करने हैं सेम, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं वन बाय वन सबको करूंगा, तो इसे हल्का जलाना पूरा मत जला देना कि जिसके ऊपर कोटिंग है वो पूरी हट जाएगी, देख रहे हो आप वो पूरा येलो हो चुका है कोटिंग हट चुकी है, ऐसे आपको करना है हर एक को, और फिर इसे सोल्डर करना है एक्स्ट्रा को कट कर देना। हमने क्या है ग्रीन वाले को, इसमें ग्रीन वाले को डी सोल्डर कर लेंगे, ये ब्लू के बाद ग्रीन था तो वो तो मैं कर दूंगा, आप वन बाय वन करना। देखते हो सोल्डर हो गया, ऐसे आपको सारे सोल्डर कर लेने। कनेक्शन कर दिया इसका हमने, अब हमें सिर्फ सुबह बस अभी दो वायर है इसमें वो जैक कनेक्ट करना है, तो हमारे पास एक छोटी चिप आ गई है, हमें इसे कनेक्ट कैसे करना बताता हूँ आपको मैं, लेकिन हमें रखना है जो इसे है वो इसे यू रखना है बैटरी, और यहाँ पे आप गैप देना है कुछ रखना है इसके अंदर, और जो स्विच है ये ऊपर की ओर जाएंगी और ये स्विच जो है नीचे की ओर जाएंगी, तो हम जो स्विच वाले दोनों यूज़ करेंगे उससे हम सारे स्विच ऑपरेट कर पाएंगे एक ही के अंदर, तो हम इसे फिक्स कर लेंगे बॉडी के अंदर, और ग्लू गन का यूज़ करेंगे हम इसमें पूरा, मोटर का अपग्रेड मत करना क्योंकि फिर वो स्पेस लेगा, और उसमें से फॉर्म क्योंकि हमें मोटर की जरूरत है नहीं, ऑन किया हमने ऑन हो गया, इनके जो ये पीस निकल रखे हैं कट कर लेंगे, कट करने के बाद जो हमारा बनेगा वायरलेस कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो स्विच है वो यहाँ कनेक्ट होंगे माइक के स्लॉट में पुट करने के बाद माइक को, फिर हम अटैच कर देंगे प्रॉपर वे में स्विच को देखते हुए, अभी टेम्प्रेरी टेप मार रखा मैंने इसमें, और ये जो दो वायर है अभी स्विच भी कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे स्विच कनेक्शन कर लेना, और माइक वाइक फिट करके जो स्विचेस हैं जो स्विच है वो प्रेस होने चाहिए, मैंने अभी टेप मार रखा है, जब हम ग्लू गन का यूज़ करेंगे उसके बाद चिपकेगा, उसके बाद हम इसे हटा देंगे। जो दो वायर है हेडफोन्स के यहाँ पे कट कर लेंगे, दोनों वायर को कट करने के बाद रेड रेड और येलो येलो में सोल्डर कर लेंगे, सोल्डर करने के बाद उसे रेड रेड में जो भी आपका पॉज रेड है जो भी येलो है उसमें कनेक्ट सोल्डर कर लेना। इसे पैक करने से पहले एक बार मैं चेक कर लूंगा इसमें कनेक्ट करने के बाद वायरलेस काम कर रहा नहीं कर रहा, फिर हम इसे पूरा ग्लू गन से पैक कर देंगे। मैं सर्किट ऑन कर रखा है और अब मैं सॉन्ग प्ले करके इसमें कनेक्ट करूंगा। ये वर्क कर रहा है, अभी से हम पैक कर लेंगे।
फाइनल को ऐसा लग रहा हमारा बनने के बाद गूगल से फिक्स कर दिया तुमने, यहाँ से चार्ज हो गए, ऑन ऑफ स्विच और एक कॉल अटेम्प्ट और एक बन चुका है वायरलेस, किसी भी स्पीकर को अभी से कनेक्ट करो और वो वायरलेस बन जाएगा, अपने फ़ोन से सॉन्ग प्ले कर सकते हो किसी स्पीकर का, जैक कनेक्ट करना है इसके साथ और वो वायरलेस हो जाएगा, गाने को प्ले कर सकते हो उसमें स्पीकर में। Yeah.